क्या आपने कभी सोचा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट कवर अप दो साल में होनी थी, अगर उसकी लोकेशन सही होगी तो वो एक साल में हो जाएगी? आप अगर सड़क से कार पे क्रॉस कर रहे हैं तो वो जिम दिखता है या नहीं दिखता? लोकेशन ऐसी चूज कर ली वहां पर पार्किंग ही नहीं है? आपने जो बिल्डिंग चूज करी है उसमें ऑलरेडी क्या क्या बिजनेस चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाय एवरीवन, अभिषेक अग्नेजा दिस साइड एंड वेलकम टू अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस वंस अगेन। और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी लोग जिम खोलना चाहते हैं अपना, बट वो स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं कि लोकेशन कैसे चूज करें, किस जगह पे जिम खोलें, कहां जिम चल पाएगा कहां नहीं चल पाएगा। तो आज उसी के बारे में बातचीत करेंगे। अब काफी ट्रेनर्स ना ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी है जिम तो कहीं भी चल जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिम कहीं भी चल सकता है अगर आपकी सर्विसेज अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी है। बट क्या आपने कभी सोचा कि जो ROI या जो आपकी इन्वेस्टमेंट कवर अप दो साल में होनी थी, अगर उसकी लोकेशन सही होगी तो वो एक साल में हो जाएगी और आपकी ग्रोथ दोगुना हो जाएगी। सो गाइज, नंबर वन पॉइंट इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी आपके जिम की जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा लोगों की नजरें उस जिम पर जाएंगी, लोगों को इंटीरियर्स दिखेंगे बाहर से, और कार्डियो करते हुए लोग ट्रेडमिल पे भागते हुए दिखेंगे, वर्कआउट करते हुए दिखेंगे, तो लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि यार हम इस जिम के बारे में पता करके आएं। तो उससे आपको फुटफॉल इंक्रीज हो जाएगा, आपके जिम की इंक्वायरीज इंक्रीज हो जाएंगी, तो आप ज़्यादा पैकेजेस सेल कर पाएंगे। और जब भी आप जिम लोकेशन फाइनल करें तो देखें उसकी विजिबिलिटी कितनी है। आप अगर सड़क से कार पे क्रॉस कर रहे हैं तो वो जिम दिखता है या नहीं दिखता? या ऐसा तो नहीं है कि जिम के आगे, आपकी बिल्डिंग के आगे काफ़ी बड़ा ट्री आ रहा है और उसके पीछे आपकी जो मेन साइन बोर्ड है वो हाईलाइट ही नहीं हो रहा या पीछे हाइड हो रहा है? या आपके जिम के आगे कोई ऐसा तो नहीं बड़ी बिल्डिंग है और मार्केट की बिल्कुल बैक साइड में आपका जिम पड़ रहा है? तो ये सारे फैक्टर्स आपने ध्यान रखने हैं जहां भी आप जिम खोलें। विजिबिलिटी आपकी जिम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस, सेकंड पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी। तो आपको ये देखना है जब भी आप लोकेशन फाइनलाइज कर रहे हैं कि आपके जिम तक पहुंचना लोगों के लिए कितना आसान है, वहाँ तक का जो रास्ता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लोगों का टाइम तो नहीं वेस्ट होता, पार्किंग कितनी ज़्यादा अवेलेबल है उस जगह पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने लोकेशन ऐसी चूज़ कर ली वहाँ पर पार्किंग ही नहीं है और लोगों को 1 किलोमीटर दूर कार खड़ी करके आना पड़ रहा है जिनसे उनका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। एक्सेसिबिलिटी में आपको ये भी ध्यान रखना है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने बहुत बड़े मॉल में जिम खोल लिया, वहाँ लोगों को पार्किंग में कार खड़ी करके लिफ्ट तक आने में 30 मिनट्स का टाइम वेस्ट हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि आपके जिम की एक्सेसिबिलिटी लोगों के लिए कितनी ईजी है और उसमें लोगों का कितना टाइम सेव हो रहा है और कितने कम्फर्ट तरीके से वो आपके जिम तक पहुँच पा रहे हैं। नाउ गाइज, थर्ड पॉइंट इज आपका जिम रेजिडेंशियल एरिया के पास होना चाहिए या सराउंडेड बाय रेजिडेंशियल एरिया होना चाहिए। लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो लोग ये सोचते हैं कि हमें घर के पास एक अच्छा जिम मिल जाए, अच्छे ट्रेनर मिल जाए, अच्छी फैसिलिटीज मिल जाए, उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, क्योंकि आजकल टाइम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना रेजिडेंशियल एरिया के पास होगा फीमेल्स उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल आपके जिम में आ पाएंगी, अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर आपके जिम में रहेगा। और अगर आपने शहर से बाहर किसी हाईवे पे जिम खोल लिया जहाँ आसपास खेत ही खेत हैं तो उतनी फुटफॉल और उतनी मेंबरशिप्स आप जनरेट नहीं कर पाएंगे जितना आप रेजिडेंशियल एरिया में कर पाएंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज चूजिंग द राइट बिल्डिंग। कि आपने जो बिल्डिंग चूज करी है उसमें ऑलरेडी क्या क्या बिजनेस चल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने ध्यान रखना है कि ग्राउंड फ्लोर पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपके जिम को डिस्टर्ब कर रही है या फीमेल्स कंफर्टेबल फील नहीं कर रही ऊपर सीढ़ियाँ तक चढ़ने में। तो राइट बिल्डिंग चूज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक कि हमने देखा है जिम्स में अगर सैलों है या किराना शॉप है या कोई डॉक्टर है नीचे या अच्छा हॉस्पिटल है तो एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हो जाता है उनके साथ। तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल वाले क्या होता है, पेशेंट्स को फिट होने के लिए जिम रेकमेंड करते हैं या सैलों वालों के साथ एक आपका टाई अप हो जाता है, वो आपका जिम रेकमेंड करते हैं, आप उनका सैलों रेकमेंड करते हैं, आप दोनों के साथ सर्विसेज शेयर कर लेते हैं। और फ्लोर चूज करते हुए भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का रेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जिम प्रेफरेबली सेकंड और थर्ड फ्लोर पे ज़्यादा खुलते हैं क्योंकि वहाँ रेंट कम होता है और विजिबिलिटी उतनी होती है क्योंकि हाइट पे आपका बोर्ड लग जाता है और लोगों को स्टेयर्स जिम तक पहुँचने में, स्टेयर्स पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि लोग वहाँ वर्कआउट करने ही आते हैं, फिट होने के लिए ही आते हैं। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, आज से 10 साल पहले मैंने जब 2012 में शुरुआत करी थी, करी तो छोटे ही जिम से थी, बट मेरे पास अपनी बिल्डिंग भी थी जो मेरे घर के बिल्कुल पास थी जहाँ मेरे को रेंट नहीं पड़ता था, बट वो एरिया इतना ज़्यादा पॉश नहीं था, मैंने वहाँ पे जिम नहीं खोला, मैंने रेंट पे जिम खोलना ज़्यादा ठीक समझा, मैंने शहर के सबसे अच्छे रेजिडेंशियल एरिया में जो कि सेमी कमर्शियल बिल्डिंग थी वहाँ पे जिम खोलना ठीक समझा, उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी, पार्किंग स्पेस बहुत अच्छी थी, सराउंडेड बाय पॉश रेजिडेंशियल एरिया, सबसे अच्छे शहर के लोग वहाँ पे रहते थे। और थर्ड चीज़ उसमें जो थी कि नीचे सैलों था और ग्राउंड फ्लोर पे भी काफ़ी अच्छी जो किराना शॉप थी वहाँ पे फुटफॉल बहुत अच्छी रहती थी, तो इन सब चीज़ों ने मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया। स्टार्टिंग पुश जो मुझे मिला
तभी मैं अपने 6 महीने में जिम को डबल कर पाया और आज हमारी इतनी अच्छी चेन है। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आपको ये चीज़ें जरूर ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप जिम फाइनलाइज करें। और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, बट वो एक डिटेल्ड स्टडी है, उसके लिए हमारे पास आपके लिए प्रोफेशनल कोर्स है जिम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का। अगर आप वो कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आज ही कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए फिटनेस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो बहुत सॉलिड कंटेंट आने वाला है, वो आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू।